हाँ जी देख लें जल्दी जल्दी, दाचीग्राम, जम्मू कश्मीर, सलीम अली, जम्मू कश्मीर, जिम कार्बेट, नन्ना देवी। हाँ प्रदेश का नाम भी बोलते जाओ भैया, जिम कार्बेट, उत्तराखंड, आवाज नहीं निकल, नन्दा देवी, ठीक, दुधवा, उत्तर प्रदेश, चंद्रप्रभा, उत्तर प्रदेश, सिक्किम, हाँ ठीक ठीक, हाँ जी सिक्किम, ठीक, फिर मानस, हाँ ये बोलो, बालफाक्रम कौन सा प्रदेश, इसका मतलब है ये किसी को याद नहीं हुआ, इसका मतलब है ये किसी को याद नहीं हो रहा, बालफाक्रम मेघालय, हम पूछेंगे बालफाक्रम मेघालय। चल देखो रुको जाओ, अब बाद में करेंगे बात। हाँ जी बालफाक्रम मेघालय कैसे याद रखोगे, देखो मेघालय मतलब मेघों का आलय, जहाँ पे मेघ बहुत ज़्यादा होते हैं, क्या होते हैं, बादल। तो देखो ध्यान देना, मेघालय मतलब जहाँ पे बादल रहते हैं। अब बालफाक्रम तो ऐसे याद रखो कि किसी के बाल है ना, किसी के जो बाल हैं वो सफ़ेद हैं, जैसे मेघ सफ़ेद होते हैं तो बालफाक्रम, बादल सफ़ेद होते हैं ना, ठीक, बादल सफ़ेद होते हैं, और बादल कहाँ होते हैं, मेघालय में, बादल कहाँ है, मेघालय में, और बालफाक्रम तो सफ़ेद बादलों की जगह मेघालय है, और यहाँ पे बालों की जगह भी क्या है, मेघालय ही है, ठीक, तो बालफाक्रम ऐसे याद कर लो, जैसे याद करना है वैसे कर लो। नेक्स्ट देखें, ये सर ये नाम बोलो, अरे नेशनल पार्क बोलो, हाँ नीचे पलामू, ये सुंदरबन, हाँ जी ठीक, फिर हाँ जी ठीक, एमपी की ओर देखें, ये सब एमपी के, सर जी आपने मार्क नहीं करा था, वो है संजय धुबरी। हाँ अब देखो ये हो गया, हाँ जी रंगनाथ हिट्टू, फिर बांदीपुर, तमिलनाडु, मदुमलाई, हाँ महात्मा गांधी, सर महात्मा गांधी नेशनल पार्क, आई थिंक मैक्सिमम हो गए, अब कुछ नहीं बचा, सर जी वाली बच्ची ऊपर साइड वाली, हाँ ये रह गई है, ये माउंट आबू, हाँ जी याद रखियो, ठीक, नाम होगा रिपीट, यस सर। अब थोड़ी सी क्वालिटी की बात हो जाए तो शायद सबकी तो क्वालिटी अपन ना बता पाए, लेकिन उनकी बात कर लेंगे जिनमें है, चलो देख लें, सर सर आपने बोला प्रयास भैया, हाँ ना पूछेंगे नहीं, वो देख के भी बता सकता है थोड़ा बहुत, सर हम लोगों ने क्योंकि उसको मैक्सिमम चीज़ें याद हैं, तुमसे ज़्यादा याद है, अगर तुमसे कम होता तो बराबरी से छुटता, वो अकेला वही है जो कम सोचता है, तो तुमको तो शर्म आनी चाहिए कि उसके साथ में वो फिर भी नहीं बता पाते, है ना, शर्मनाक बात है अपने लिए। 8 साल तो अपन जितने दिन पढ़े उतने दिन में भी अच्छे से ना सीखे कछू, ठीक। चलिए तो दाचीग्राम से शुरू करें, बताओ प्रियांश यहाँ क्या है, कुछ स्पेशल है, सर नहीं है, सांभर, एलिफेंट, टाइगर, हाँ हम यहाँ पे बता दे रहे हैं, यहाँ का अब देखो यहाँ पे कस्तूरी मृग होता है, क्या है, हाँ सर आपने बताया था हिरण, हाँ ठीक बच गए, हाँ कस्तूरी मृग, दाचीग्राम,
कस्तूरी मृग देखा जिसके पेट में कस्तूरी होती है, कहते हैं कि अगर वो उसकी डेथ होती है तो उसके जो नाभि में जो कस्तूरी होता है वो 1 किलोमीटर दूर से भी खुशबू करता है। इसके चक्कर में लोग उनको मारते हैं और अब वो कम बचा है, बहुत सारी चीज़ों में यूज़ होते हैं, तो लोग अपने फ़ायदे के लिए इन कस्तूरी मृगों को मारते हैं, है ना। ठीक, ओके। फिर सनी मली, ये बर्ड से रिलेटेड है, ठीक, बर्ड्स वगैरह। अब बात करें जिम कार्बेट, तो ये TRB है, ये TRB है, टाइगर रिजर्व, मतलब टाइगरों का संरक्षण किया जाता है यहाँ। क्या किया जाता है? हाँ, इसकी सबसे बड़ी क्वालिटी ये है कि ये हमारे भारत का सबसे पहला नेशनल पार्क है। हाँ, पूरे भारत का सबसे पहला नेशनल पार्क जिम कार्बेट, याद रखोगे ये फैक्ट, है ना। इसलिए तुम देखो सबके नाम थोड़े से इंडियन है, इसका नाम इंग्लिश है, क्योंकि एक व्यक्ति थे उनके नाम पे है ये जिम कार्बेट, आई थिंक जिनने इसको स्टेबलाइज किया था, याद रहेगा जिम कार्बेट। ठीक, ओके। फिर देखें नंदा देवी, यहाँ का एक पहाड़ है, मतलब पर्वत है, उसी पर्वत के नाम पे ये नेशनल पार्क भी है। हाँ, यहाँ की कुछ स्पेशलिटी है प्रियांश? हाँ, ये वर्ल्ड हेरिटेज भी है। यहाँ पे नेचुरल ब्यूटी है, क्या है? हाँ, है ना, नेचुरल ब्यूटी, वो तो हिमाचल प्रदेश में है, वो फूलों की घाटी, ठीक है ना। नालंदा यही है ना? नहीं, अलग चीज बोल रहे हो, है ना, यहाँ पे नेचुरल ब्यूटी है, ठीक। चलो अब देखें दुधवा और चंद्रप्रभा, यहाँ का कुछ स्पेशल कोई जानवर? सर, प्रियांश, काऊ? नहीं, वो तो पूरे भारत में सब जगह होती है। हाँ, ये समझो नील गाय सांभर यहाँ कॉमन है, ठीक है ना, नील गाय और सांभर। और जिनके जिनके माइंड में ये क्वेश्चन आ रहा हो कि सांभर क्या है, तो थोड़े से घर पे हाथ पैर चला लेना, मोबाइल पे हम पूछेंगे, ठीक। हाँ, हमें पता है, वो वही का सर तो यहाँ आके फिर हमारी छड़ी चलती है, सब के सारे हमें पता होते हैं, है ना। हाँ, अरे कल का तात्पर्य होता है जिस अगले दिन क्लास लगेगी, ठीक। चलो अब देखें कंचनजुंगा, कंचनजुंगा में क्या भैया? वेरी गुड, और बताओ यहाँ पे कोई जानवर स्पेशल? हाँ, वो तो होगा, है ना, और क्या होगा? देखो यहाँ पे जो ऐसे जानवर हैं जो बर्फ को, जो ठंड को सह लेते हैं, पेंगुइन वहाँ नहीं है, पोलर बियर की पॉसिबिलिटी है यहाँ, ठीक, ये भी सिर्फ पॉसिबिलिटी है आई थिंक, बट होंगे, क्लियर, ठीक। अच्छे से याद रखते जाना, जो लोग बिल्कुल साइलेंट है, फोकस ही फोकस हो के, ठीक, क्योंकि हमारा सभी पे फोकस है। चलिए अब देखो, बात हो रही थी मानस की और काजीरंगा की, तो यहाँ पे सर बन हॉर्नेट, हाँ हाँ, राइनोसोरस, मतलब गेंडा, यहाँ दोनों जगह, ठीक ठीक है ना, गेंडा स्पेशलिटी। अब बालफाक्रम नॉर्मल जानवर होते हैं, ठीक। फिर हजारी और क्या हो गया ये पलामू, यहाँ का कुछ, हाँ ये TR है, दोनों है TR, ये दोनों TR है, ये TR, समझ गए, टाइगर रिजर्व, टाइगर रिजर्व का मतलब समझ रहे हो ना, मतलब जहाँ पे शेरों को सुरक्षित किया गया है। अभी हमारे भारत में 2000 से ज्यादा शेर हो गए हैं, अब एक समय था कि 500 से कम बचे थे, लेकिन सबसे बड़ी खुशी की बात है कि हमारे मध्य प्रदेश अकेले में 600 से ज्यादा है, है ना, इसलिए इसको टाइगर स्टेट भी बोलते हैं हमारे मध्य प्रदेश को। हाँ, सोन चिरैया भी बोलते हैं, उसका रीजन है हमारे यहाँ पे
जो सोन चिरैया पाई जाती है, लेकिन अब वो भी विलुप्त है। लेकिन ये ऐसी हजारों डिटेल है, वो किसी दिन मध्य प्रदेश की क्लास में करेंगे, कई ठो हजारों चीजें। ठीक, चलिए बैक। कारा, ये भी टी आर है, मतलब टाइगर रिजर्व है। और कुछ हाँ, अब सुनो काना की सबसे बड़ी बात, सबसे बड़ी खासियत, यहाँ पे बार्किंग डियर रहती हैं। नहीं, काला हिरण है, काला बारह सिंगा, और सर बार्किंग डियर भी लिखा है बुक में। हाँ, वो भी होगा। ये दोनों का मतलब समझे? यस सर। तुम्हें याद होगा सलमान खान पिछले कई सालों से जेल के चक्कर काट रहा है, इन्हीं भैया को शिकार करने की वजह से। हाँ, हालांकि वो यहाँ नहीं मारा था, वो राजस्थान में किया था, बट यहाँ भी ये है। क्लियर? सर किसने मारा इनको? सलमान खान ने। ठीक, वो तो पक्की बात है। हाँ, बहुत पुरानी बात है, हम भी जब लगभग तुम्हारी एज के थे तब से वो जेल के चक्कर काट रहे। इन जानवरों को मारना बहुत वो है, आप कोई भी रहो आप पे केस हो जाएगा बहुत तगड़ा। ठीक, हाँ, और इसीलिए तो हम ये पढ़ रहे हैं, कहीं कि आए दिन ये चीज़ें न्यूज़ में होती हैं और हम सिर्फ ऊँगते हैं वहाँ, तो अब से ना हुए इसलिए कंठस्थ कर रहे। चलो नेक्स्ट, इस तरफ हो गया। हाँ जी, मधुमलाई इस तरफ का पूरा कर लें। मधुमलाई ये भी टी आर, वेरी गुड। और स्पेशल बताओ, बता सकते हो, देख के बता सकते हो, बुक उठा दो उसको, क्योंकि तुम्हारे जानवरों के नाम बताने से हमें और चीजें याद आ जाती हैं। हाँ ये तो है, हाँ हाँ एलिफेंट है, थोड़ा अपन ये मान सकते हैं, है ना। हाँ ठीक, एलिफेंट मान सकते हैं हम कि यहाँ पे है, और पिग्स वगैरह भी हैं। ठीक, चलो अब इस तरफ आ जाए, तो ऊपर से शुरू करें। केवला देव यहाँ पे, साइबेरियन क्रेन, हाँ जी साइबेरियन सारस, उसको बोलते हैं सारस या क्रेन इंग्लिश में बोलेंगे तो। ये इस चीज के बारे में किस किस ने नहीं सुना, कुछ लोगों ने नहीं सुना। हाँ, तुमको चार से पांच बार बताया है, कुछ लोगों ने एक बार भी नहीं सुना। सुन लो, हर साल जो साइबेरिया है, अब यहाँ ये वर्ल्ड मैप मान लो बड़ा करेंगे ना, तो वहाँ कहीं पहुँच जाएगा साइबेरिया, तो वहाँ पे बहुत भयंकर ठंड होती है। क्या होती है? -80 डिग्री, बिल्कुल सही, लगभग। तो -80 डिग्री टेम्परेचर में जो पक्षी होते हैं वहाँ पे सरवाइव नहीं कर पाते, तो वो लोग उड़ के कहाँ आते हैं ठंड में? इंडिया में, इंडिया आते हैं, पूरा हिमालय नाक कर, तो यहाँ पे उनको वो लोग रहते हैं और आके अपनी मतलब आराम से रहते हैं, ठंड का पूरा महीना काटते हैं। जैसे ही अभी शुरू हो गया ये उनका जाने का समय शुरू, तो वो लोग यहाँ से क्या करेंगे फिर वापस। मतलब पक्षियों के लिए कोई कंट्री का बाउंडेशन नहीं होता, वो आराम से जाते हैं और यही वहाँ पे देखने लायक चीज़ है, लोग जाते हैं देखने। ठीक, याद रहेगा अब केवला देव घाना पक्षी अभ्यारण्य, एक ही जगह सिर्फ। ठीक, दिल्ली के पास में है, ज़्यादा दूर नहीं है दिल्ली से, जयपुर से भी पास में है। ठीक है, नेक्स्ट बात करें माउंट आबू की। माउंट आबू में सांबर, जंगल, जंगली कैट, वाइल्ड कैट। हाँ, यहाँ पे स्पेशल है वाइल्ड कैट, जंगली बिल्ली। हाँ स्लोथ बियर, हाँ पेंगोलिन, ये पेंगोलिन भी बड़ा वो है। नहीं, हाँ जी भैया, ये पेंगोलिन भी इम्पोर्टेंट है। तुम नहीं देखो, सिर्फ इम्पोर्टेंट पकड़ोगे। ठीक, पेंगोलिन नाम सुना नहीं सुना? नहीं सर, पेंगोलिन सुना है।
इस जीव की सुरक्षा सरकार बहुत उससे कर रही है, क्योंकि ये बहुत कम बचे हैं। हर वो जीव जो कम बचता है सरकार उसकी सुरक्षा का प्रयास करती है। ये भी बहुत कम बचे हैं। अभी कुछ दिन पहले कुंवरिया के आसपास एक मरा हुआ मिला था, बहुत बहुत सुर्खियों में रहा। होता क्या उसके लिए अभी हम यहाँ गूगल पे नहीं दिखा सकते, तो खुद देख लियो, हम पूछ लेंगे क्या है। ठीक, ओके, ये हो गया। अब ये है वाइल्ड एस, मतलब जंगली गधा। सर यहाँ पे वोल्फ रहते हैं और नीलगाय। हाँ, कौन सा गधा? हाँ, जंगली गधा। वोल्फ और नीलगाय। वोल्फ होते हैं। हाँ, ठीक, वो नॉन कॉमन नाम है, स्पेशल है जंगली गधा। पूरे भारत में सिर्फ यही, पूरे भारत में सिर्फ यही उसके नाम पे ये वाइल्डेस्ट नेशनल पार्क वही होते हैं। ये हमारे नॉर्मल गधे होते हैं, ये उनसे थोड़े से अलग खूंखार किस्म के होते हैं। अब वो जो भी हो, आई डोंट नो। ठीक सर, ये दोनों भैया कुछ नहीं बोल रहे हैं। वो अब भी बस ये मिटने वाला ना, अभी थोड़ी देर से पूरा कंप्लीट मिटेगा, बस एक घंटे तो खाली पुछाई चलेगी। हाँ जी, माधव, माधव एमपी। सर टाइगर है, टाइगर है। देखो टाइगर और वर्ड, हाँ एमपी में वर्ड्स यहाँ है, बाकी अब देखो क्या है। बर्ड्स, ठीक, बर्ड्स एमपी में बहुत शायद ही कहीं हो, यहाँ लेकिन है। ठीक, अब देखो गिर, गिर की सर इसमें रहता है राजस्थान। यहाँ पे है बब्बर सिंह, है ना। चलो बंद कर लो, बंद कर लो, जल्दी बंद कर लो, तुम भी बंद कर लो, तुम अकेले खोल सकते हो, है ना। जिसको जिसने कुछ, जिसने पढ़ा है, जिसको बहुत कुछ याद है, सिर्फ उसको हक है बुक्स देखने का। जिसको कुछ याद नहीं, जो टोटल देख के बोल रहा है, वो बिल्कुल गलत। वो कुछ चीज़ें उनके साथ तो देख सकते नहीं, बोल नहीं सकते, सिर्फ वो बोलेगा, है ना। काय की है ना, उसने ना ये जैसे एशियाटिक लायन नहीं सर, काय की एशियाटिक लायन जो था ना, यहाँ कहाँ था, कहाँ बात कर रहे थे अपन। हाँ, ये राइनोसोरस है ना, ये सिर्फ दो जगह का, पूरी दुनिया भर सबको पता होता है, अकेले उसको पता है कि यहाँ पे भी राइनोसोरस है। सर हमें नहीं बोला था सर इधर। अरे हमें सब पता है, तो बुक से देख के। ठीक है ना, चलो तो कुछ चीजें दिमाग पे भी रखें, तो आपको हर प्रकार के हक मिलेंगे। चलो बांधवगढ़, बांधवगढ़ का स्पेशल व्हाइट टाइगर। हाँ, बांधवगढ़ का स्पेशल याद रहेगा। हर एक की एक एक क्वालिटी अब भी पूछेंगे अच्छे से, तो बांधवगढ़ का है ना, तो इसका व्हाइट टाइगर। चलो ठीक है ना, फिर देखें सतपुड़ा, सतपुड़ा ये भी टाइगर रिजर्व है। चलो बिल्कुल, हाँ अच्छे से एक एक शानदार सा बोनस फैक्ट सुन लो, कुछ लोगों को पता है कुछ को नहीं पता। जो मोगली वाला जो है ना नाटक, सर आपने बताया था, जिसको पता वो नहीं बोलेगा। सर जंगल बुक, हाँ जंगल बुक है ना, इसी जगह पे लिखी गई है, पूरे वर्ल्ड में, पूरे वर्ल्ड में फेमस है। नाम है उनका आई थिंक जोनाथन स्विफ्ट है कि जोनाथन स्मिथ, आई डोंट नो। चलो ठीक ठीक है ना, चलो फिर सॉरी, यहाँ सतपुड़ा में नहीं, ये पेच पे है, वो पेच पे है ना, सतपुड़ा नहीं पेच, ये जगह लोकेशन से कंफ्यूज हो गए। ठीक है ना, पेच पास ही में है, वो दोनों वही चीज़ है। फिर आगे बढ़े, रंगन्ना थिट्टू स्पेशलिटी प्रयांश, बस बर्ड्स कुछ नहीं, ओनली बर्ड्स। और यहाँ फिर बांदीपुर, एलिफेंट टाइगर बियर, हाँ ठीक, अपन एलिफेंट माने और बियर माने, ठीक
चलो क्लियर। फिर हम बात करें पेरियार, यहाँ पे एलिफेंट होंगे। यस सर, पैंथर। हाँ है ना, एलिफेंट। सर वर्ल्ड वॉर, वॉर। फिर सर वॉर कुछ भी। चलो ठीक है, पैंथर। ठीक है ना, ओके। तो आई थिंक सभी हो गए। सर वो पाखल में है क्या और महात्मा गांधी? हाँ, यहाँ पाखल में कुछ है नहीं, देख लो कुछ हो। हाँ, यहाँ का हम बता चुके हैं, ये मैरीन है, पूरे भारत का एकमात्र मैरीन नेशनल पार्क। यस सर, मतलब समंदर, जमीन के ऊपर नहीं, जमीन के नीचे, मतलब पानी के अंदर। तो सर पानी के अंदर है, इसमें भी कुछ कुछ बचाया जा रहा है। बिल्कुल, तुम्हें क्या लगता है कि यहाँ पे व्यवस्था नहीं की जाती? उतने समंदर के आसपास किसी भी प्रकार की कोई इंटरनल एक्टिविटी नहीं कर सकता। तो यहाँ ऐसे कैसे भाग जाएंगी? मछलियों का भी एरिया होता है, जहाँ पे उनको कंफर्ट जोन होता है ना, उससे आगे नहीं जाती वो। हाँ, मान लो कि किनारे की मछली है, गहरे पानी में नहीं जाएगी, उसको पता है उसका फैमिली, उसका खाना पीना सब कहाँ है, वहीं रहेगी। समझ गए? तो सब सेफ रहते हैं, बहुत सारी प्रजातियाँ सेफ की गई हैं यहाँ। पोर्ट ब्लेयर, पोर्ट ब्लेयर में है। पोर्ट ब्लेयर कहाँ है? और ये कैपिटल है, कैपिटल है। ठीक, ओके। अब लास्ट बचा है और एकमात्र बचा है, वो है सुंदरवन। ऑलरेडी बता चुके हैं, कुछ नहीं है। हाँ, यहाँ पे बंगाल टाइगर है। क्या है? हाँ, बंगाल टाइगर के, टाइगर के नाम से बहुत सारी मूवीज भी बनी है। ठीक, तो बंगाल टाइगर बंगाल में ही होता है। कहाँ पे? पश्चिम बंगाल में। हाँ, क्रोकोडाइल। ठीक, क्रोकोडाइल पता है ना? मगरमच्छ। चलिए, इतना क्लियर। तो पूरा आई थिंक ये सब कवर पूरा हो गया। क्लियर? चलो गुड, वेरी गुड। अब आपको समय दिया जाएगा आगे की कहानी के लिए।